उतरा हुआ है क्योंकि इसके आईडीज पे आया स्ट्राइक स्ट्राइक। जिसकी गाड़ी से आए हम लोग, मतलब इन लोग का कोई गोतिया भाई होता है ना, एक दादी डेथ कर गई है। Hey guys, welcome back to our channel, Aryan RJ। तो कैसे आप लोग, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं जम्मू के लिए क्योंकि मम्मी को शॉपिंग करना है, चांदनी को शॉपिंग करना है, क्या क्या खरीदना है चलिए अभी बताएंगे, क्योंकि गाड़ी वाले बोल रहे हैं कि गाड़ी क्या हायर किया भाई, इतना लेट कर रहे हो। तो चलिए बीबी के साथ मम्मी, मम्मी के साथ आर्यन, ऑलवेज हायर नहीं किया भाई, मम्मी सबसे फर्स्ट। इसका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि इसके आईडीज़ पे आया स्ट्राइक स्ट्राइक। एक स्ट्राइक नहीं आया, दो दो स्ट्राइक आया इसके आईडी पे, अगर एक और आ जाता है तो आईडी टर्मिनेट हो जाएगा। लो पकड़ इसको, बट कोई बात नहीं, दुखी मत हो ज्यादा। अरे भाई तो चलिए मिलते हैं अभी। ए गाइस, पायल कटवाए थे क्योंकि मेरा वो मम्मी पायल दी थी, बहुत ही बड़ा हो चुका था, तो अभी हम जम्मू में आए तो वहीं पे पायल काट दिया और अभी बहुत ही अच्छा हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा होता ये कहीं कहीं गिर जाता, बहुत डर लगता था, तो मम्मी कटवाए तो बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी अंकल काट दिए हैं। और जो हम लोग धामना में रहते तो वहाँ पे जल्दी नहीं करते, वहाँ टाइम लेता है, मम्मी बोली कि नहीं वहाँ से नहीं कटवाएंगे, जम्मू ही जाएंगे वहीं से कटवाएंगे। तो अभी हम बहुरानी से अभी हम साड़ी लिए जो आप लोग को नहीं दिखा पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर रहते हैं, मोबाइल उनके पास था इसकी वजह से हम नहीं दिखा पाए। और कैसा साड़ी लिए हैं तो आपको हम बाद में दिखाएंगे घर पर जाके। तो अभी मेरा पूरा शॉपिंग हो चुका है, आप कोई चीज़ का कमी नहीं है, तभी चलते हैं। बहुत ही इधर जाम है गाइस, देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक हज़ार ना आपको नहीं मिलेगा। चलिए तो गाइस मिलते हैं कुछ देर के बाद, अभी चलते हैं हस्बैंड के पास, कहाँ पे है सब ले ले लेना है। और की बच्चा लो, ये बच्चा लो ना, हाँ हम ले के ले, ठीक है ठंडा ले लिया, बरगुना एगो पीतर के लोहिया, डब्बू छोलनी दू गो थरिया, एगो लोटा एगो गिलास, अच्छा और दो हतो पीतर के छोटे को ले लिया था वो, ठीक है पूजा सब। तो गाइस कुछ हुआ है ऐसा कि जाना पड़ रहा है सडन, क्योंकि जिसकी गाड़ी से आए हम लोग, मतलब इन लोग का कोई गोतिया भाई होता है ना, एक दादी डेथ कर गई है, मतलब पास के ना क्या हेलो रे संतोष, नामा की होगा छोटी, छोटी का मम्मी जाएगी, छोटी ना यार, छोटी को है ना, कौन छोटी, छोटी ना हमारा ना भोपालिया में क्या जी, हां भोपालिया में, अच्छा अरे रे 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 रे, हां हां कैसे ये आइए मार ले, हां तो उसके लिए अभी जाना पड़ेगा मम्मी लोग को घर, बाकी बात हम सामान लेके आएंगे। हाँ मम्मी आप पापा की कार को जाना है, सामान सीढ़ी है ना, दूल्हा बना है, हाँ डाला है, उन लोग कल को ले गेल का पड़ पापा, ठीक है ले लो। तो वही शॉपिंग करने आई थी मम्मी लोग, बट ऐसा हो नहीं पाया, मतलब जा रहा है बेचारा का शादी भी कैंसिल हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया, अच्छा महीने का बाद हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, अचानक से शॉकिंग मिला क्या करे, ये दुख खत्म का ही नहीं होता बे, शादी करता अभी घर में रहता और एक तो ये बहुत खतरनाक वाला आत्मा है, आईडी इसका टर्मिनेट होने को है बट नहीं, इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, गलत है, क्या नहीं रिएक्शन नहीं करता है, सुबह से तो उसके लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए खाना पीना छोड़ देता, नहीं नहीं कुछ खाए पिए है नहीं हम, ठीक है नहीं नहीं खाना पीना नहीं छोड़ना है, और कुछ मंगवा दे, बिरयानी पैक करवा दे, हाँ ठीक है, कितना भी खा लो लेकिन इसका शरीर में लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ का शरीर बना हुआ है इसका। तो चलिए अभी सब लोग पानी पूरी खा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे सब लोग, ये
यार ये गलत हुआ हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा भाई। क्या भाई निकलना पड़ रहा है अभी रहते थे मतलब 2-3 घंटा और अच्छे से शॉपिंग वगैरह करता सब नहीं। तो चलिए मिलते हैं अभी। तो हे गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं मम्मी देवा आए हैं और क्योंकि उनको कोई काम था मतलब कार्ड मतलब बांटना था तो हम लोग का तो शॉपिंग हो गया पूरा इसलिए हम लोग आ गए घर पे। तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं और जी हम साड़ी लिए आप लोग को दिखाते हैं कैसा है। तो एक लिए थे हल्दी एक लिए थे मेहंदी जो ये बहू रानी से क्योंकि इसका ये मम्मी को ले और नीवा के लिए पर्स जो मम्मी लिए बस यही दो ले हमको साड़ी लेना था जो हल्दी में और मेहंदी में लेना था वो नहीं था मेरे पास इसलिए हमको ये दो चाहिए था। मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है शादी का सब शॉपिंग हो चुका है हम लोग का और मम्मी को कुछ बर्तन लेना था तो वो आज नहीं ले आया है तो वो जब बोले हैं कि आएंगे तब वो लेके आएंगे। कैसा बर्तन लेना नहीं लेना मम्मी फ़ोन पे ही बताएंगे उनको या उनको पता होगा कैसा बर्तन लेना है और हम लोग के पास टाइम नहीं था इसकी वजह से आ गए। देख सकते हैं अभी तक इतना सांझ हो गया और आप भी निकलते तो बहुत रात हो जाता इसलिए जल्दी निकले वहाँ से तभी पहुँचे हैं। हे गाइस अभी आए वहाँ से तो थोड़ा थके हुए थे उसके बाद थोड़ा देर के बाद अभी खाना वाना बना रहे हैं क्योंकि अभी नीभा को कोई काम नहीं करना मतलब शादी जब से लगा उसको कोई काम नहीं करना है ऐसा हम लोग में नियम होता है और कुछ ये थोड़ा सा भी झाड़ू नहीं छूना है क्योंकि उसको भी काम नहीं करना है इसीलिए तो हम ही करेंगे अभी सब काम। पहले भी हम करते थे तो इतना कोई मतलब ये नहीं है मतलब क्या है कि अभी मेरा यूट्यूब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से मेरा हस्बैंड जो है अभी जम्मू ही में है कुछ काम मतलब उसका ही कुछ काम कर रहा पता नहीं क्यों हुआ हम किसी का तो कुछ बिगाड़े नहीं और ऐसा क्यों मेरे साथ किए हैं ये भी हम नहीं जान रहे। हम किसी का कुछ बिगाड़ते तब हमको मालूम चलता है कि हाँ हम इसका बिगाड़े हैं तो मेरे लिए ऐसा कर रहा है ऐसा यूट्यूब पे इतना प्रॉब्लम बहुत ही हो रहा है क्योंकि हम लोग कितना शादी के टाइम में था और सोचे कि इतना अच्छा अच्छा अपना मतलब आईडी पे वीडियो छोड़ेंगे पर अभी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मेरा आईडी पे बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका है। तो अभी छूटेगा वही आर्यन आरजे पे क्योंकि मेरा आईडी बहुत ही ख़राब हो चुका है बहुत ही उसमें मतलब ये देख के बैठे थे कि अब शादी होगा उसमें बहुत अच्छा अच्छा सा एक अच्छा ब्लॉग फिर डांस उन्स का बहुत ही अच्छा अच्छा रील्स उल्स उसमें डलाएगा पर कुछ नहीं हम डाल पाएंगे पर आप लोग को रील्स मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम पे आप लोग वहाँ से मेरा रील्स देख सकते हैं और ब्लॉग तो आपको देखना पड़ेगा वही आर्यन आरजे पे क्योंकि बहुत ही मैं हम सुबह से बहुत ही रोए बहुत रोए हैं कुछ बोल नहीं पा रहे थे इसकी वजह से मतलब कुछ किसी से बता नहीं पा रहे हैं। हम गए मार्केट तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा से हम कुछ नहीं कर पाए हम वीडियो भी बोले कि मत लो यहाँ पर हमको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है तो ऐसे ही साड़ी उड़ी लिए थे मम्मी के साथ वो साड़ी लेके हम आ गए घर पे क्योंकि हमको जम्मू भी गए तो हमको उतना भी मन नहीं लगा तो जल्दी से ना घर पे आ गए सोचे घर पे जाते हैं थोड़ा सा वहीं पे आराम करेंगे। मेरा तो माथा कुछ काम नहीं कर रहा था दिमाग में कि क्यों किया है नहीं किया है वो सब सोचते सोचते अभी भी मतलब उनको फ़ोन करेंगे तो बोलते हैं चांदनी फ़ोन रखो कुछ काम करें उनको भी मतलब थोड़ा सा भी बात करने का किसी से मन नहीं हो रहा ये सब हो रहा है जो मेरे साथ और इतना गलत मतलब इतना गलत टाइम पे वो जो मेरा यूट्यूब में इतना प्रॉब्लम कर दिया है। अभी हम खाना वाना बनाएंगे और गीत उत गाने आएंगे चाची लोग तो वो लोग मतलब गीत उत मतलब आप लोग यहाँ का गाँव हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम ना सोचें और शादी में थोड़ा मोड़ा खुशी रहे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा क्योंकि यूट्यूब के बारे में सोच के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तो यही खाना वाना बना रहे हैं और पटल का आलू का सब्ज़ी बना रहे हैं बहुत दिन के बाद पटल आलू का सब्ज़ी बना रहे हैं। अभी मम्मी लोग आएंगे मम्मी नानी दादी भी आ चुके हैं अब सिर्फ चाची लोग आएंगे तो वही लोग गीत उत गाएंगे तो यहाँ का गीत तो बहुत ही हमको अच्छा लगता है और सब पे एक एक गाली करके मतलब जो चाची लोग होता है सब पे मतलब पापा पे
मेरे हस्बैंड पे, मतलब सब पे एक एक गीत गा देते हैं गाली वाला, जो बहुत पहले से ही मतलब रस्म चलता है ये सब चीज़ का। तो ये रस्म को हम लोग क्या करते हैं, कभी हटा नहीं सकते हैं। मतलब ये सब चाची लोग गीत गाते तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज दिखाएंगे, पर आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि फिर से आज कैसे। आज कोई त्यौहार नहीं, पर सिर्फ गीत गाया जाएगा, सिर्फ चार दिन तक गीत गाया जाएगा, चार पाँच दिन तक। ऐसा रस्म होता है हम लोग में कि चार पाँच दिन तक गीत गाया जाता है। ऐसे शाम को रोज आते रहेंगे चाची लोग और गीत गा के उसके बाद मम्मी लोग चाय नाश्ता वास्ता देंगे, उसके बाद चाची लोग चले जाते हैं ऐसे गीत उत गा के। तो उसमें बहुत ही इंजॉय रहता है हम लोग का। तो आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और देखते हैं मेरे हस्बैंड कब तक आ रहे जमुई से, वो तो मेरा यूट्यूब के पीछे पड़े हैं। तो बाय।